जय श्री राधे। आपने देखा है काला धागा। प्रायशः लोग जो है काले धागे को कमर में बांधते हैं, पैर में यहाँ बांधते हैं, दाहिने पैर में, बाएं पैर में बांधते हैं और अंगूठों में भी बांधते हैं। अब ये क्यों बांधा जाता है, इसके क्या फायदे हैं, किस लिए बांधा जाता है, ये हम आपको बताएंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मित्रों वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ये काला धागा आप देख रहे हैं, काला धागा है। तो काला धागा कमर पे क्यों बांधा जाता है? प्रायशः बंगाल में अधिकतर इसके प्रचलन है और बंगाल में हमने भी देखा भी है और कई जगह देखा है। तो छोटे छोटे बच्चों को भी ये काला धागा बांध देते हैं कमर में। और छोटा बच्चों को इसलिए बांधते हैं, छोटे छोटे बच्चों को, जब बच्चे छोटे रहते हैं 4-6 महीने के, तो हाथ पैर बहुत चलाते हैं, जब पैर ज्यादा चलाते हैं तो कहीं कोई भी कमर की नस जो है इधर उधर ना हो, रीढ़ की हड्डी में किसी प्रकार का कोई गैप, कोई दिक्कत ना आए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है मित्रों कि ये जो पेशाब की जो जगह होती है उसके लिए ये काला धागा बांधा जाता है। कि पेशाब की जगह में जब अंडकोशों में जो पानी पड़ जाता है तो वो पानी आने भी नहीं पड़े, कोई नस जो है इधर उधर ना हो जिसके कारण से ना पानी भर जाए, तो इसके लिए इस काले धागे को बांधा जाता है कमर में। तीसरी बात एक और बताएं आपको, ये गर्भवती महिलाएं भी या जिन महिलाओं को बच्चे नहीं होते वो महिलाएं भी जो है काले धागे को कमर में बांधती हैं। तो वो काले धागे को कमर में जो बांधा जाता है वो बच्चे की गर्भ रक्षा के लिए जो है बांधा जाता है, कि भाई गर्भ की जो है रक्षा हो, तो उसको जो है अभिमंत्रित करके कमर में बांधा जाता है। और तीसरा एक और बात बताएं आपको, जो लोगों की नाभि जाती है, नाभि टल जाती है, तो उसके लिए भी जो है कमर में धागा बांधा जाता है। कई लोग पैर में बांधते हैं और कई लोग पैर के अंगूठों में बांधते हैं, दोनों अंगूठों में बांधते हैं, जो धन्य जिसको बोलते हैं वो धन्य चली जाती है। तो पेट में दर्द होना इत्यादि, बार बार सोच के लिए जाना, तो ये सब चीजें जो है उसी का एक कारण है। और आपको बताएं एक धन्य के पास में नर भी होते हैं, तो वो नर भी चले जाते हैं, तो इसके लिए जो है पैर में जो है महिलाएं बाएं पैर में बांधती हैं, पुरुष दाएं पैर में बांधते हैं। एक तो ये, और कमर में इसलिए बांधा जाता है कि बच्चों की कमर में, कि भाई बच्चे की कोई नस न जाए। और एक और बात आपको बताएं, कई जगह प्रचलन है कि जो कर्दनी पूजन जो होता है, या कर्दनी एक संस्कार रहता है कि बच्चे का कमर का पूजन रहता है, तो उसके निमित्त जो है काला धागा बांधा जाता है। तो कई जगह ये परंपरा जो है शादी विवाहों में, गांव का जो गांव की जो सीमा होती है, गांव की समाप्त होती है, दूसरे गांव की जो सीमा प्रारंभ होती है, तो उस सीमा को बोलते हैं मेड़ा। तो भाई उस जगह जाकर के वो सीमा समाप्ति का स्थान रहता है, तो वहां जाकर के वो पूजा दी जाती है, तो उसको रक्कस भी कहा जाता है। तो एक रक्कस और जो है कर्दनी पूजन के तौर पे भी इसको बांधा जाता है, और महिलाओं को जो है गर्भ की रक्षा के लिए बांधा जाता है। अब इसी में एक और विशेष बात आपको बताएं, कमर से संबंधित ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप देखते हैं तो कमर से संबंधित अगर कोई शिकायत होती है तो शनि की जो है कहीं ना कहीं शनि जो है आपका कहीं अच्छा नहीं है, इस कारण से जो है आपको कमर दर्द इत्यादि की जो शिकायत या समस्याएं रहती हैं, तो इसलिए कमर में ये काला धागा बांधा जाता है। अब आपको महत्वपूर्ण और एक विशेष बात बताएंगे, कई लोगों को आपने हाथ में या भुजा पे देखा होगा ये काला धागा बंधा हुआ, आप तो इसको भी बताएंगे। इससे पहले एक चीज और दिमाग में आई, उसको और बताते हैं आपको। आपने देखा होगा काला धागा, काला धागा सबसे महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है अपने यहाँ, क्यों? ये रक्षा कवच तो है, ये एक रक्षा के लिए बांधा जाता है, रक्षा कवच। और दूसरा जो है काला धागा इसलिए है कि किसी की बुरी नजर हमको न लगे। आपने देखा होगा जो सौभाग्यवती महिलाएं होती हैं जिनकी शादी हो जाती है, तो वो मंगल सूत्र जो पहनती हैं तो उसमें सभी जो दाने जो होते हैं, मोती जो होती हैं, वो काले ही होते हैं। तो इसलिए काले मोतियों को पहना जाता है कि भाई किसी की कोई बुरी नजर कोई हम पे प्रभाव न करे। तो एक बात ये तो ये रही, और आपको बताया हाथ में जो बांधा जाता है यहाँ, तो कई लोग अंदर बांधते हैं, और आपने राजनेताओं को भी देखा होगा जब चुनाव की प्रक्रियाएं होती हैं उस समय राजनेता जो है अपने अपने गुरुओं के पास, अपने अपने धर्म आचार्यों के पास जाकर के उसको काले धागे को सिद्ध करा करके यहाँ बांधते हैं। तो वो काला धागा जो है वो आपको विजयश्री दिलाता है,
देखो लक्ष्मी कई प्रकार की रहती है, एक लक्ष्मी तो ये रहती है कभी रुपये ही रुपये आता है, एक लक्ष्मी ये है कि हमने किसी भी काम में कोई हाथ डाला तो वहां हमको विजय मिली, तो ये विजय भी एक श्री ही है, विजय श्री, इसीलिए उसका नाम है कि भाई लक्ष्मी का ही एक रूप है वो भी। तो इसलिए जो है हाथ में भी काला धागा बांधा जाता है, कमर में हमने आपको बताया, और नाभि जाती है इन लोगों की, वो लोग पैरों में और ये पैर के अंगूठों में, अंगूठों में आपने देखा होगा, मैं भी आपको दिखाता हूँ इस तरीके से, अंगूठों में काला धागा आपने देखा होगा, दोनों पैरों में बना रहता है इस तरीके से। एक तीसरा आपको एक और दिखा दें, पैर में इस तरीके से आपने देखा होगा, पुरुषों के दाहिने पैर में इस तरीके से बंधा हुआ देखा होगा, और महिलाओं के बाएं पैर में इस तरीके से बंधा हुआ देखा होगा आपने, महिलाएं जो है बाएं पैर में बांधती है, और कमर पे भी इसको बांधती है, तो कमर पे जो है इसलिए बांधा जाता है, जो कमर का भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी आप देखेंगे कमर पे क्यों बांधते हैं ये कमर से। और इससे एक और आपको बताएं, कमर पे बांधने से तो आपको अपने वेट का भी पता चल जाता है कि भाई हमारा जो ये वजन कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, जैसे यहाँ जो हमने कमर पे धागा बांधा तो कमर पे रक्षा कवच के लिए रहता है, कई लोग अपने मोटापा के लिए भी बांधते हैं, कभी हमारा मोटापा तो यहाँ अगर ये ढीला गांठ ढीली पड़ती है तो इससे पता चलता है कि हम जो है पतले हो रहे हैं, और कहीं यहाँ ये ज्यादा टाइट होने लगता है तो इससे भी पता चलता है कि हमारा पेट जो है बढ़ रहा है। तो इसको अगर आप कमर पे भी बांधती है तो कमर पे बांधने के बाद जो है आपके जो चर्बी जो जाना है वो चर्बी आपकी खत्म होने लगेगी धीरे धीरे। तो ये इतने इसके फायदे हैं, और विशेष इसका जो फायदा है वो ये है कि किसी की बुरी नजर न लगे, और लक्ष्मी को भी श्रेष्ठ इसीलिए माना गया है कि वही लक्ष्मी जिसके घर में रहती है तो उस पर कई लोगों की निगाहें पड़ती हैं, जिसके घर में ज्यादा लक्ष्मी आती है या कोई व्यक्ति विशेष पद पर पहुंच जाता है तो उस पर कई लोगों की निगाहें होने लगती है, अरे बोले कल ये ऐसे घूम रहा था इतना बड़ा बन गया है। तो ये सब कुदृष्टि को जो है ये काला जो है धागा इसका समन करता है। और आपने देखा होगा कि माताएं जो अपने बच्चों को काजल लगाती थी तो एक यहाँ माथे पे भी टीका लगाती थी, एक यहाँ डटूला टाइप का लगा देती थी, चंद्रमा बना देती थी, हाथों में भी यहाँ एक पैसा रख देती थी। तो ये इसका कारण यही है काले का कि भाई बच्चा किसी का भी हो कैसा भी हो लेकिन सबको प्यारा और सुंदर लगता है अपना बच्चा, तो वो इसलिए यहाँ बांध लगाते थे, यहाँ भी लगाते थे थोड़ा सा काला टीका, कई लोग यहाँ लगाते हैं कान के पीछे तो भाई किसी की नजर न लगे, जैसे आंख का काजल निकाल के कई लोग यहाँ लगा देते हैं तो ये नजर न लगे किसी की, और किसी की कुदृष्टि आपके ऊपर न पड़े। ये सब चीजें मित्रों इसी तरीके की जानकारी के साथ साथ आपसे मिलते रहेंगे, जब तक आप हमारी वीडियो देखें, शेयर करें, लाइक करें, जय श्री राधे।